हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये देखिए, आज हम बनाएंगे एप्पल की जलेबी। ये देखिए, अच्छा सा एप्पल ले लीजिए, एकदम देख सकते हैं, एकदम लाल एप्पल है ये। अभी एप्पल को हम गोल गोल काट लेंगे और मैदे को घोल बना लेंगे। सबसे पहले इसी को करते हैं, हम मैदे का घोल बना लेंगे। इसमें मैंने एक कटोरी मैदा लिया है। ये देखिए, अभी सबसे पहले हम इसमें बेकिंग सोडा डाल देंगे पूरा, एक पिंच डालिए आप। इसको हम डाल के अच्छे से पानी से मिला लेंगे। ये देखिए, इसी तरीके से थोड़ा पानी और डालिए और एक अच्छा सा बैटर तैयार कर लीजिए। जैसे जलेबी का बैटर रहता है ना, उसी हिसाब से कर लीजिए, धीरे धीरे मिला के। इसको अच्छे से फेंटना है हमको, 1 से 2 मिनट तक अच्छे से इसको फेंटिए। ये देखिए, इसी तरीके से ऐसे फेंटते रहिए। बहुत ही अच्छा लफी एकदम जब बैटर हो जाएगा, तब इसमें आप एप्पल को डिप करिए और फ्राई कर लीजिए। कढ़ाई पहले से रख दीजिए गर्म होने के लिए, फिर घी डाल के या तेल डाल के फिर उसी में आप एप्पल की जलेबी फ्राई कीजिए। ये देखिए, ये घुल गया है। अभी हम एप्पल को काट लेते हैं गोल गोल। ये देखिए, इसी तरीके से गोल गोल ऐसे काट लीजिए, बीज निकाल के एप्पल के ऐसे ऐसे डिप कर लीजिए। अब इसके हम जलेबी को ऐसे फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, मैंने पैन में तेल गर्म होने के लिए पहले से रख दिया है। ऐसे इसको डालिए और सभी जलेबियों को फ्राई कर लीजिए। ये देखिए, कितना अच्छा से कलर आएगा ये। इसको भी हम पलट लेंगे, जैसे डालेंगे वैसे धीमा आंच कर दिए, एकदम कम आंच से इसको पकाइए। देखिए, चाशनी को सभी को बनाना आता है। चाशनी हम पहले से बना के रख दिए हैं, बस चाशनी को डालिए, इसको डिप करिए चाशनी में। 2 तार की चाशनी बनाइए आप। देखिए, अभी हम सभी को पलट लेते हैं। ये देखिए, जलेबी में अलट पलट के सेक लीजिए, कितना अच्छा कलर आया है, देख सकते हैं आप। अब इसको निकाल लेंगे, एकदम कुरकुरी जलेबी बनी है एप्पल की। इसको निकाल लेंगे हम, फिर चाशनी में तुरंत ही डालेंगे। चाशनी में हम डाल के तुरंत निकाल लेंगे। एप्पल भी मीठी होती है, इसलिए हमको ज़्यादा चाशनी की ज़रूरत नहीं आएगी। थोड़ा सा ऊपर से हम चाशनी ऐसे लगा लेंगे, चाशनी में डाल। ये देखिए, अभी इसको हम चाशनी में डाल देंगे। ये 2 तार की चाशनी है, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से हमें चाशनी चाहिए, एकदम चिपचिपी। इसको डालिए सभी को, बस हमको डिप करके एक बार सभी चाशनी को, जलेबी को निकाल लेना है ऐसे, बस हल्का सा भीग जाए। ये देखिए, इतना अच्छा ये बना है। अभी सभी जलेबियों को अच्छे से निकाल लीजिए। ये देखिए, बहुत ही टेस्टी जलेबी लगेगा, एक बार आप बना के देखिए। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है, प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मेरे वीडियो पे पहली बार है, नए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप तक सबसे पहले हम मेरा नोटिफिकेशन पहले पहुँचे। ये देखिए, सभी को निकाल लीजिए। देखिए, आपका जलेबी रेडी है।